तारीख 29 नवंबर 2005 दिन मंगलवार, मोहम्मदाबाद के तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को अपने विधानसभा क्षेत्र के सियाड़ी गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जाना था। वह उद्घाटन कर लौट रहे थे, इसी दौरान बसनिया चट्टी इलाके में पहले से घात लगाए शूटरों ने ऑटोमेटिक राइफल से उनके काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस शूटआउट में मुख्य रूप से अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे, विश्वास नेपाली और रिंकू तिवारी शामिल थे। इनमें से मुन्ना बजरंगी बागपत जेल में हुए हमले में मारा गया था। राकेश पांडे और रिंकू तिवारी भी मारे जा चुके हैं। अब जीवा का नाम भी मारे गए लोगों में जुड़ गया है। हाल ही में लखनऊ के कोर्ट परिसर में जीवा की हत्या कर दी गई है। संजीव जीवा मूल रूप से सामली आदमपुर गांव का रहने वाला था, लेकिन साल 1986 में संजीव माहेश्वरी के पिता मुजफ्फरनगर शिफ्ट हो गए, वहां दूध का बिजनेस शुरू किया। संजीव भी उनके साथ ही उस काम में लग गया, लेकिन धीरे धीरे यहाँ वो अपराध से जुड़ने लगा। गांव में मारपीट, लूटपाट, झगड़े, हत्या के मामले में उस पर केस दर्ज होने लगे। लेकिन उसकी क्राइम की असली कहानी की शुरुआत हुई साल 1997 से, जब बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में उसका नाम आया। 10 फरवरी 1997 की रात वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी फरुखाबाद में एक शादी से वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार पर जबरदस्त फायरिंग हुई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जांच शुरू हुई तो पता चला कि हत्या फरुखाबाद के विधायक और दबंग नेता विजय सिंह ने करवाई थी, और हत्या करने वाला था संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा। विजय सिंह और जीवा के अलावा 3 अन्य शूटर पर केस दर्ज हुआ। इस खौफनाक घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी का ध्यान भी जीवा तक गया, और फिर वो मुख्तार के गैंग का हिस्सा बन गया। जीवा देश के मॉडर्न हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। मुख्तार को लगा कि जीवा के जरिए वो गैंग में लेटेस्ट हथियारों की अच्छी सप्लाई करवा सकता है। उस वक्त मुख्तार अंसारी का सबसे खास गुर्गा मुन्ना बजरंगी हुआ करता था। मुन्ना बजरंगी के साथ अब संजीव जीवा भी मुख्तार के गैंग के लिए काम करने लगा। हत्याएं, पैसा उगाही, हथियारों की सप्लाई, ठेकेदारी के काम में वसूली, हर चीज में वो मुख्तार का भरोसा जीतने लगा। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद संजीव जीवा मुख्तार अंसारी के बेहद खास बन चुका था, लेकिन अब संजीव की कोर्ट परिसर में हुई हत्या ने मुख्तार को बुरी तरह से तोड़ दिया होगा। संजीव जीवा मर्डर में कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। फायरिंग करने वाले आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि फायरिंग करने वाले एक से ज्यादा थे। ये भी थ्योरी सामने आ रही है कि गैंगवार में इस अपराधी की हत्या हुई है। वजह जो भी रही हो, संजीव जीवा जितना भी खतरनाक हो, लेकिन वकील के भेष में जिस तरह कोर्ट परिसर के अंदर ये हत्या हुई, वो सुरक्षा को लेकर कई सवाल जरूर खड़े करती है। वही मुख्तार अंसारी के लिए डबल झटका है, क्योंकि हाल ही में अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा मिली है। ये तय है कि अब मुख्तार अंसारी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये इसलिए भी क्योंकि अब तक 5 मामलों में मुख्तार को सजा मिल गई है।